नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? और स्वागत है आपके टेक 21 के एक और नए एपिसोड में। तो भैया नगर में डिंडोरा पिटवा दो गाजे बाजे के साथ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ने वापसी कर ली है, तो ये है बहुत अच्छी खबर। तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया कल तक तो यही डाउट था कि फेसबुक इंस्टाग्राम बंद हो जाएंगे, ज़िंदगी का क्या होगा, आगे ज़िंदगी बढ़ेगी या नहीं, लोग तो यहीं पर रह गए थे। लेकिन भारत सरकार ने वापसी कर दी है इन सब ऐप्स की। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को कर लिया है एक्सेप्ट इन ऐप्स ने इंडियन गवर्नमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर प्राइवेसी का कंसर्न को लेकर प्राइवेसी जो है थोड़े खतरे में है, क्योंकि अगर कोई करता है कोई फालतू का कमेंट या फिर कोई भड़काऊ कमेंट तो उसका डाटा हो सकता है लीक, और जिनने किया होगा उसकी फेसबुक पोस्ट को या फिर ट्विटर पोस्ट को शेयर या रीट्वीट, तो उनकी लाइफ भी खतरे में है और जो होंगे उनके फ्रेंड्स फॉलोइंग वो भी खतरे में रहेंगे। तो इस तरीके से लेके प्राइवेसी जो है वो अभी खतरे में है। बात करें व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप ने अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई भी चेंज नहीं लाया है। लगता है कि व्हाट्सएप भी अब अटक गया है, क्यों अब ये जानना बाकी है। और एक चीज़ और बता दूं कि व्हाट्सएप ने जो है वो लॉफ इट टॉगल जो है वो अपने व्हाट्सएप में इंक्लूड कर लिया है। इसकी लॉन्चिंग हो गई है वर्ल्ड वाइड, लेकिन इंडिया में पता नहीं कब आएगा। तो भैया हो गई शांति। तो भैया कल तक तो ऐसे ही लग रहा था कि टिकटॉक की तरह फेसबुक भी बैन हो जाएगा। टिकटॉक से वीडियो देख देख के लोग दिन गुजारते थे, फिर इंस्टाग्राम पे आए, रील बनाना शुरू की और लगा कि ज़िंदगी ख़त्म, बस ख़त्म। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इनको एक्सेप्ट कर लिया, करना ही था क्योंकि को रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्सेप्ट करनी ही थी, क्योंकि इनको अपना लॉस तो नहीं करवाना था। हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अपने डाटा को लेकर हमेशा कंसर्न में रहिए, क्योंकि आपका डाटा कभी भी लीक हो सकता है। अपनी प्राइवेसी को हमेशा संभाल के रखिए। क्यों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अपनी प्राइवेसी को संभाल कर रखिए, क्योंकि अगर आपका डाटा लीक हो गया तो आपका अकाउंट जो है वो खतरे में हो सकता है। आजकल जो है वो अगर आपका जीमेल खतरे में है तो भैया आप भी खतरे में हो। कल की तरह आपको फिर से एक सजेशन यही दूंगा कि कोई भी ट्वीट, पोस्ट या कोई भी रील शेयर करने से पहले या फिर उसको रीट्वीट करने से पहले एक बार दो बार जितनी बार सोचना है सोच लें, क्योंकि अब वो समय गया कि आप कोई भी ट्वीट शेयर कर दीजिए, कोई भी पोस्ट शेयर कर दीजिए जो आप बचे रहेंगे। अगर आप समाज के भड़काऊ भाषण या फिर कुछ भी ऐसा डिस्क्रेस डालते हैं तो भैया तुम तो गए, तुम्हारे दोस्त भी गए। तो बस फिलहाल के वीडियो इतना ही। वीडियो कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना भूल रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको चेक कर लीजिएगा। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।